जलगांव में हो रही धुआंधार बारिश। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू दिलकपुर फैमिली व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9, तो अभी हम लोग आज से ब्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में क्या क्या हुआ आपको ज़रूर बताऊंगा, पर अभी अखिल भैया और पूजा भाभी भी आ चुके हैं, नायर आ चुके पुणे से, मम्मी पापा आ गए हैं, और सबका आने का रीज़न भी बताऊंगा। तो पहले अभी चलते हैं, रीज़न मैं हूँ, इतना पहले ही बता दूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, देखते हैं नायरा का रिएक्शन। हेलो एवरीवन, तो ये ब्लॉग है 4 जून का जो आप अभी देख रहे हो। अभी इसके पहले ऐसा हुआ था कि जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि शिवानी को सर्जरी करना पड़ेगी, उस दिन हमने घर पे सबको बता दिया और फिर शाम में सब लोग पुणे से निकल गए और नेक्स्ट डे जलगांव आ गए, क्योंकि आज शिवानी को एडमिट करना था। तो डॉक्टर ने बोला था कि नेक्स्ट डे ऑपरेशन रहेगा, तो आप एक दिन पहले रात में एडमिट कर लेना। तो इसलिए सब लोग आ गए और फिर शिवानी और नायरा भी बहुत दिन बाद मिले, मम्मी भी बहुत दिन बाद मिली, पर वो चीज़ एक साइड में रह गई क्योंकि सबके माइंड में थोड़ा बहुत टेंशन था ही सर्जरी को लेके। हम भले ही कितने भी नॉर्मल बिहेव करें, पर अंदर से हम डरे हुए थे और शिवानी काफ़ी डर गई थी, आपको आगे वीडियो में दिखेगा ही। वो रो भी दी थी जब उसको हमें लेके जाना था हॉस्पिटल में। पर अभी हम जब नायरा से मम्मी से मिले तो अभी हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तुम्हारे लिए आए बॉबले, बिल्ली मेला प्याल नहीं करती, मैं चाचू हूँ ना। ओ नायरा भाभी हैप्पी बर्थडे, एक दिन लेट वाला हैप्पी बर्थडे। और अभी शिवानी के तरफ से पूजा भाभी को बर्थडे के कपड़े मत देना, बस मुझे कपड़े लगेगा क्या इसमें? पूरा सेट है, वायर बहुत ही मस्त है। तो पोस्टर्स यस, बहुत ही मस्त है ये। ये इसका है ना वो ट्रे है, ये अपन इसमें कुछ भी सर्व कर सकते हैं, मतलब इसमें तुम खा ये भी सर्व कर सकते हैं, जैसे मेहमान आया ना तो एक साथ में नाश्ता भी इसमें लगा सकते हैं, मस्त है। और एक चाय के कप रख निकल रहे, चाय के ग्लास। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर तिलकपुरे फैमिली व्लॉग्स। तो कुणाल भैया ने आपको बताया कि हम लोग व्लॉग्स नहीं डाल रहे कुछ रीज़न के वजह से, तो सब गड़बड़ चल रही थी। तो आज सुबह ही मैं और अखिल आए क्योंकि हमको पता चला शिवानी की तबीयत ख़राब है। तो आप सबको पता था कि गोवा में शिवानी का पेट बहुत दर्द हो रहा था, तो वो कंटिन्यू चल ही रहा था उसका ऑन एंड ऑफ पेट दर्द। तो मैं भी यहाँ पे नहीं थी जलगांव में, मैं भी कुछ रीज़न से पुणे में थी। तो वहाँ पे मुझे शिवानी का कॉल आया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। तो मेरी जो यहाँ पे फ्रेंड है उनके पास मैंने शिवानी को भेजा, तो वहाँ पे हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, तो सोनोग्राफी किया, तो सोनोग्राफी में भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग दिख रही है बस अंदर, तो इसलिए उसको आज सिटी स्कैन बोला है। तो पहली बार लाइफ में सिटी स्कैन कर रही है शिवानी, तो उसके लिए उसको अभी कुछ मेडिसिन वगैरह लेने बोले हैं। तो अभी उसका आज सिटी स्कैन करेंगे, फिर हमको समझेगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्यों पेट दर्द हो रहा है, फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वैसे तो बिल्कुल मूड में नहीं हम लोग की ब्लॉग्स लें, लेकिन सबका कहना है कि नहीं थोड़ा थोड़ा अपन बताते रहेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके लिए स्पेशली पूजा भाभी और अखिल भाभी आ गए और यहाँ पे मम्मी पापा भी आ चुके हैं, और अभी शिवानी को दवाई लेनी है, अब देखते हैं इसका चेहरा। तो सर्जरी से पहले डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले थे हमें, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया वो उसी दिन कर लिया था हमने, तो आज उसका रिपोर्ट आया था। तो रिपोर्ट सब सही आने के बाद मैं फिर सीटी स्कैन बोला, तो सीटी स्कैन के लिए भाभी शिवानी के साथ गए, तो मैंने वो रिपोर्ट भी कर लिया। तो सीटी स्कैन से पहले दवाई लेनी पड़ती है ताकि वो एकदम क्लियर रिपोर्ट आ सके अच्छे से। जैसे जैसे हम लोग रिपोर्ट्स करने जाते थे, जैसे ब्लड रिपोर्ट हो गया, सीटी स्कैन हो गया,
तो ये रिपोर्ट करते वक्त तो टेंशन रहता ही था, उससे ज़्यादा टेंशन रहता था वो रिपोर्ट नहीं लाने का। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आता तो ये सब टेंशन में रहते थे, पर सारे रिपोर्ट्स शिवानी के अच्छे आए, इतनी अच्छी बात हुई तो थोड़ा टेंशन कम हुआ। और अभी बज रहे दोपहर के 2, और अभी पूजा भाभी और शिवानी जा रहे हैं हॉस्पिटल में सीटी स्कैन करने, और दवाई पूरी ले ली है अभी। चेहरा खींचा गया पूरा। चलो तुम पहुंचो, मैं आया। सीटी स्कैन हो चुका है शिवानी का, अभी 6 से 7 बजे तक रिपोर्ट आएगा। दुख रहा मेरे को, दोनों इसमें लगा, इसमें भी लगाया उन्होंने, इसमें भी लगाया, नस नहीं मिल रहा था, ये दुख रहा। तो अभी खाना खा लेना कुछ घर पे जाके, मैं भी आता हूँ ना, सुबह से कुछ खाया नहीं। अभी हम लोग आ गए घर पे और देखो चाची को खिला रही खाना। ओ मामले मिट्टू, हाँ लग गया बेटा, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है थोड़ा मिट्टू। और अभी शाम के कुछ 7 या 8 बज रहे थे, तो टाइम जैसे जैसे पास में आ रहा था हॉस्पिटल में जाने का, शिवानी की धक धक हमारी धक धक भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होने जा रहा था। तो वो करीबन 3 से 4 बार रोई, पर वो देख के हमारी हिम्मत भी थोड़ी कम हो रही थी। हाँ। पर है ना नायरा, हाँ। ये देख वो चाची रो रही थी ना, अपन उसका ब्लॉग ले रहे। चाची तो इतनी उनके पेट में भी इंजेक्शन लग गया, इंजेक्शन लगे ना। हाँ देखो मेरे से अच्छा नायरा बता रही हूँ। हमारे तो चाची तो बहुत पतली थी रहना था। जब भी शिवानी हॉस्पिटल में रहती है, नायरा उसको आके ये बोलती है, आप जल्दी ठीक हो जाओ, हम आपको जल्दी वाटर पार्क लेके जाएंगे, है ना। और शिवानी फिर इतना रो रही थी कि उसको संभालना थोड़ा टेंशन वाला काम हो गया था। फिर हमने मम्मी ने सबने मिलके उसको समझाया, क्योंकि वो ऑपरेशन से डर रही थी। और सीधी सी बात है, अपन कितना भी बोले पर जिस पे बीतती उसे पता है कि डर तो लगता ही है। तो अभी हम शिवानी का सब रिपोर्ट लेके आ गए, डॉक्टर ने बोला है कल एडमिट होके ऑपरेशन करना, छोटा सा ऑपरेशन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन से उल्टा तबीयत खराब होती। फिर थोड़ी देर बाद हमने उसकी पैकिंग स्टार्ट की, क्योंकि 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में ही रहना था ऑपरेशन के बाद। तो फिर सारे उसके बैग्स पैक किए, और यहाँ पे शिवानी की बैग पैक करना चालू हो गई है, ये टॉवल, ब्रश, कंघी, चद्दर, टेंशन मत लो, ठीक है, हो जाएगा सब अच्छे से। ना टेंशन लेने के लिए बेस्ट कर रही हूँ, टेंशन नहीं ले रही हूँ, बट आ जाता है थोड़ा नेचुरल है वो चीज़ें, तो ठीक है, सब लोग हैं साथ में और कुछ नहीं एनेस्थेसिया देके तो हो जाएगा, नहीं समझेगा। और अभी बज रहे रात के 10, तो हम लोग डॉक्टर्स के पास, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला है कि कल ऑपरेशन रहेगा तो आज शिवानी को एडमिट करना है। तो अभी पूजा भाभी, शिवानी और अखिल भाई जा रहे हैं, मैं खाना खा के जाऊँगा मम्मी के साथ में, फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं किसी को सर्जरी के लिए लेके जा रही हूँ एडमिट करने के लिए, मतलब घर में किसी की पहली बार कोई सर्जरी हो रही है, पर कोई नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। पेशेंट डे सब ले लो उसके हाथ से, पेशेंट डे भाई सब साथ में सब, अरे अखिल खुद तो लो। चलो शिवानी डरना नहीं, ये लो से सोना, हां आता हूं मैं खाना खा के, नहीं सब अच्छा ही होगा, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना पेट पड़े ना, राधे 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 राधे। चल तो अभी हम लोग आ गए हॉस्पिटल में, और यहाँ पे शिवानी को सलाइन लगाई है, तो आज हम लोग इधर ही सोएंगे, पहली बार होगा शिवानी। क्या हुआ, टेंशन लिया क्या कुछ, रोया क्या, अरे लाइफ में फर्स्ट टाइम शिवानी में हॉस्पिटल में रुक रहा हूँ घर आते में, फर्स्ट टाइम ऐसा। चलो मिलते हैं अभी सुबह, तक के लिए दोस्तों बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और फिर रात के 12 बजे अखिल भाई और पूजा भाभी घर के लिए निकल गए, मैं और मम्मी शिवानी के पास सोए थे,
और रात भी कट नहीं रही थी, इतना टाइम गया फिर भी नींद नहीं आ रही किसी को। बीच बीच में हम उठ के शिवानी को देख रहे क्योंकि उसको सलाइन लगी थी, तो बॉटल ख़त्म होने से पहले ध्यान देना था, और वैसे भी हॉस्पिटल में नींद आती नहीं है। तो जैसे तैसे हम सोए और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे उस दिन क्या क्या हुआ। उस दिन तो हमने ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि कंडीशन ही नहीं थी हमारी, यानी ऑपरेशन से पहले तो भी हम थोड़े बहुत रिलैक्स थे, थोड़ा इतना सा ब्लॉग ले लिया, पर उसके बाद जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं हुई। पर फिर भी मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।